उसके बाद चॉइस अगर आप पूरा फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको ओके जो है वो कर देना है। देख सकते हैं टोटल जो है 4 चॉइस सेव हुआ है, ठीक है। उसके बाद चॉइस जब सेव कर लेंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको सेव कर लेना है बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद मैनेज फिल्ड चॉइसेस का ऑप्शन आता है, इसमें आपको क्या करना होगा कि चॉइस जो आपने फिल किया है उसको मैनेज करना है, ठीक है। मैनेज का मतलब है कि आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चॉइस इंटरचेंज का ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि किसी प्रॉपर चॉइस से किसी आप प्रॉपर चॉइस को चेंज कर सकते हैं जो आपने फिल किया है, ठीक है। उसके बाद आता है चॉइस अरेंज का, तो चॉइस अरेंज का मतलब है कि आप किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहते हैं, किस कॉलेज को नीचे रखना चाहते हैं, इस तरीके से नंबरिंग जो है वो आप देख सकते हैं, चॉइस अरेंजिंग इसी को कहते हैं। उसके बाद है मल्टीपल डिलीटेशन, ठीक है। मल्टीपल डिलीटेशन का मतलब है कि एक से ज़्यादा कॉलेज को आप एक बार में डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक ऑल करके आप जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। अब आता है चॉइस लॉक का, तो सिंपली चॉइस लॉक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चॉइस लॉक के ऑप्शन पर यहाँ पे आई एग्री ऑप्शन पर आप क्लिक करके चॉइस लॉक जो है वो कर सकते हैं। बच्चों जब आप चॉइस फिल कर लेंगे उसके बाद चॉइस लॉक करने के लिए, ठीक है, चॉइस लॉक करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जो है जाएगा आपके फ़ोन पे, ठीक है। आपको सबसे पहले पासवर्ड इंटर करना है, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड इंटर किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे करना है, और यस लॉक चॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एक ओटीपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, तो आपके फ़ोन पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड होगा। देन आपको OTP इंटर करने के बाद लॉक चॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनली जो है हमारा इनवैलिड OTP बता रहा है, तो यहाँ पे आपको OTP फिर से डालना है, ठीक है। हाँ बता, जैसे ही आप OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस जो है वो लॉक हो चुका है। टोटल यहाँ पे 225 कॉलेज में 27 कॉलेज फिल हुआ है, 198 कॉलेज अनफिल्ड है, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट जब आपका सीट अलॉटमेंट आएगा तो यहीं से आप सीट अलॉटमेंट चेक करेंगे, ठीक है। आपने जो चॉइस लॉक किया है उसका प्रिंट जो लेटर है वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो चॉइस फिल किया है, और इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड लॉक चॉइस लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से ये PDF जो होगा आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, फ़ोन या लैपटॉप में इसको रखना है फ्यूचर रिफरेंस के लिए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने फ़ोन या लैपटॉप में। बच्चों चॉइस लॉकिंग प्रिंट करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से व्यू डाउनलोड लेटर, ठीक है। जब आपका लेटर जनरेट होगा तो यहीं से आपको जो है अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो चेक करेंगे, और अलॉटमेंट लेटर जो है यहाँ से चॉइस फिलिंग और कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जो है आपको यहीं से डाउनलोड करना होगा सीट अलॉटमेंट के बाद। तो बच्चों अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट का जो है वो वेट करना है। जिस भी बच्चे को, ठीक है, जिस भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग में परेशानी आ रही है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है, पेड काउंसलिंग करवाना है, तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके पेड काउंसलिंग सपोर्ट जो है वो भी ले सकते हैं। अगर आपको रैंक बेस्ड काउंसलिंग नहीं पता है कि किस रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आपको परेशानी हो जाएगी अगर आपका कम परसेंटाइल है, तो इससे अच्छा है कि आप किसी काउंसलर से कॉन्टैक्ट कीजिए और काउंसलिंग करवाइए, ठीक है बच्चों। तो कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।